प्राइम टीवी के खास कार्यक्रम हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। हेल्थ मंत्रा में हम बात करते हैं अलग अलग बीमारियों की और उस पे लेते हैं विशेषज्ञों से राय, क्या है सही इलाज और कैसे करें उसका उपाय। किसी भी व्यक्ति के मन में क्या छुपा है इसे कोई नहीं जान सकता, पर उसके हाव भाव बातचीत से हम जरूर समझ सकते हैं कि व्यक्ति क्या महसूस कर रहा है, किस मनोस्थिति से जूझ रहा है। कुछ लोग कई समस्याओं से जूझने के बावजूद मुस्कुराते रहते हैं, तो वहीं कुछ लोग छोटी छोटी बात को दिल पे लगा लेते हैं। ऐसे में कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो कुछ लोग अपने हालातों से हार कर गुनाह की राह चुन बैठते हैं, तो कुछ अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर लेते हैं। ऐसे में लोगों को समझना और सहारा देना काफी अहम होता है, और आज हम अपने आसपास के लोगों की मनोस्थिति जानने और उन्हें बचाने के लिए जुड़ेंगे मनोवैज्ञानिक के साथ और जानेंगे कैसे लोगों को अपराध और डिप्रेशन की तरफ जाने से रोके और कैसे सहारा दे और इनकी मनोस्थिति को सुधारे। तमाम जानकारियों के साथ आज हमारे साथ मनोवैज्ञानिक कीर्ति खुराना जी जुड़ चुकी हैं। मैम, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल कि आज के समय में ज्यादातर लोग सोशल हो गए हैं। हम सोशली लोगों को जानते तो बहुत है लेकिन पहचानते नहीं है। हम उनसे अपनी बातें कहने से डरते हैं, इसकी वजह से लोग अकेलेपन का शिकार हो रहे हैं। तो इस अकेलेपन की वजह से किन किन दिक्कतों का सामना कर रहे हैं आज के टाइम पे लोग? देखिए, सबसे पहली चीज जो है वो ये समझना पड़ेगा कि अकेलापन क्या है। अकेले रह जाना और अकेले रहना, ये दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक है, अकेला इंसान अपनी चॉइस से रह सकता है, लेकिन जब अकेला रह जाता है वहाँ से एक्चुअल दिक्कतें शुरू होती हैं। अब जो लोग अकेले रह जाते हैं या महसूस करते हैं कि हमारे साथ कोई नहीं है, इनके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कुछ लोगों का कॉन्फिडेंस कम होता है, कुछ लोगों को एक्चुअली किसी से बोलचाल करने में, एक रिलेशन बनाने में प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, कुछ लोगों को बुली करा गया होता है, तो इसके कारण बहुत सारे होते हैं जिस वजह से लोग अकेले रह जाते हैं। अब जो रह जाते हैं उनकी दिक्कतें ऐसी होती हैं कि धीरे धीरे आपका शरीर तो आपका साथ देना छोड़ता ही है, आप बहुत लिथार्जिक हो जाते हैं, अंदर बंद रहते हैं, सनलाइट की तरफ ज़्यादा नहीं जाते, तो धीरे धीरे आपकी एक्सरसाइजेज, व्यायाम भी कम हो जाता है। बहुत लोगों में ये देखा गया है कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस भी आने लग गई हैं, ब्रेन डिजेनरेशन भी उनका ज़्यादा जल्दी होता है। ऐसे लोगों में आप देखें तो एजिंग या बुढ़ापा जिसको आप कहते हो वो और जल्दी आने लगता है। ऐसे लोगों को डिसीजंस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है, तनाव ज़्यादा रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ना कि सिर्फ मेंटल तरीके से बट इवन फिजिकली बहुत प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। जी, कई तरीके की प्रॉब्लम आती है। कभी कभी लोगों को सदमा लगता है, लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, उसके क्या दुष्परिणाम होते हैं? डिप्रेशन की पहचान कैसे करें कि कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है, और डिप्रेशन में इंसान किस तरह के कदम उठा लेता है? जहाँ तक हम डिप्रेशन की बात करते हैं, आजकल लोग बहुत आम तौर पे डिप्रेशन शब्द का उपयोग करने लगे हैं, लेकिन अगर आपको किसी में पहचान करना है तो जो हमारी बुक्स, मेडिकल बुक्स कहती हैं, उसकी पहचान का एक तरीका होता है। एक तो उदासी बने रहना, आपको खुशी महसूस ना होना, आपके इंटरेस्ट्स या जो रुचि होती है वो चीज़ों में कम होते जाना, और हर वक्त थकान लगना। इनमें से कोई दो लक्षण भी अगर दो हफ्ते से ज़्यादा आपको लगते हैं तो हो सकता है कि वो इंसान या जो आप खुद हो, जिसमें भी आपको लक्षण मिले, हो सकता है कि वो डिप्रेशन से ग्रसित हो। तो ये तो उसकी पहचान हो जाती है। और इसके बियॉन्ड अगर आपको ये दिखता है कि किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो फिर कुछ बातों का और ध्यान रखना ज़रूरी होता है। आपको चेक करना पड़ता है कि उनकी नींद कैसी है, क्या वो पूरा प्रॉपरली सोते हैं या कम सोते हैं या ज़्यादा सोते हैं, भूख कितनी लगती है, एनर्जी कितनी है उनमें, वो डिसीजंस ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे हैं, लोगों से बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें साथ में उसके जुड़ती चली जाती हैं। जी, कुछ लोग होते हैं कई गम समेटे होते हैं, उनको कई चीजों का दुख होता है, उसके बाद भी वो मुस्कुराते रहते हैं। कुछ लोग होते हैं छोटी छोटी बातों पे भी नाराज हो जाते हैं, तो क्या ये सामान्य है? क्या ऐसे लोगों को समझने की, संभालने की जरूरत है? जी, ये बिल्कुल ही सामान्य बात है, क्योंकि हर इंसान, हर व्यक्ति का जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत डिफरेंट होता है। आप किसी भी सिचुएशन से कैसे डील करते हैं या किसी भी सिचुएशन की तरफ कैसे रिएक्ट करते हैं, इसका जो असर होता है बेसिकली डिपेंड करता है कि आपकी पेरेंटिंग कैसी हुई है, आपके घर में माहौल कैसा था, क्या आपके माँ बाप ने क्लियर बाउंड्रीज रखी आपके साथ कि नहीं रखी, आपको आपके रोल्स समझाए कि नहीं समझाए।
फिर जब आप स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में आपकी टीचर्स ने, आपके दोस्तों ने आपके साथ क्या व्यवहार करा, एंड फिर आपका नेबरहुड एंड आपकी सोसाइटी का भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आता है। जब आप देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द के जो लोग हैं बहुत ही हिम्मती हैं, छोटी सी खरोच आने पे, छोटी सी बात होने पे वो उठ के खड़े हो जाते हैं, आगे लड़ने की हिम्मत रखते हैं, तो वो इम्पैक्ट आप पे आता है। लेकिन वहीं जहाँ पे घरों में बहुत लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं, स्कूल में बच्चों को बहुत बुली करा जा रहा होता है, ऐसे लोगों के साथ जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो फिर ऐसा हो सकता है कि वो बिल्कुल ताश के पत्तों की तरह बिखर जाते हैं। सो ये बहुत ही सामान्य है कि हर तरीके से लोग रिएक्ट करते हैं, एज लॉन्ग एज उससे वो अच्छे तरीके से डील करके एक पॉजिटिव तरीके से बाहर निकल आए, इट इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। मतलब एटमॉस्फेयर का बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ज्यादा, बहुत जो लोग गुनाह की राह चुन लेते हैं, और कैसे पता करें कि वो सामान्य नहीं है, उनकी जो मनोस्थिति है, जो उनके माइंड में जो चीजें चल रही है उससे वो आगे जाके कोई क्राइम भी कर सकते हैं, क्योंकि क्राइम भी बहुत तरह के होते हैं। कई बार लोग हालातों से परेशान होकर चोरी करने लगते हैं, कई बार लोग अपने आप को ही नुकसान पहुंचाते हैं, जब आप सिचुएशन से हार जाते हैं तो कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं, कई बार अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं। जो लोग क्राइम की राह चुन लेते हैं, तो कैसे समझे कि अगर सामने वाले इंसान के माइंड में कुछ चल रहा है, वो परेशान है, तो वो परेशानी उसके लिए एक अलग दुनिया क्रिएट कर सकती है। जी कैसे समझे, तो देखिए किसी भी व्यक्ति में हम मान के चलते हैं, बहुत सारी थ्योरीज हैं, हम मान के चलते हैं कि जितने हम ह्यूमन बीइंग्स हैं हम सब में इनेटली पॉजिटिव एक्शंस करने का एक मोटिवेशन रहता है। लेकिन जब आप क्राइम की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इफ़ेक्ट करते हैं, कई बार तो बायोलॉजी ही आपकी इफ़ेक्ट करती है, हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं, आपके ब्रेन के कुछ पार्ट्स हैं, हमारे ब्रेन में एक पार्ट होता है एमिग्डाला, एक होता है ACC एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स का, वो रहता है, ये चीज़ें आपका बिहेवियर, आपके इमोशंस को कंट्रोल करता है। तो अगर इनमें कहीं ऊंच नीच होती है, इनकी फंक्शनिंग ठीक नहीं होती है, तो भी इंसान का अपने बिहेवियर पर, अपने मूड पर कंट्रोल नहीं रहता। ये तो बात आ गई बायोलॉजी की। इसके अलावा अगर आप लोगों के रहन सहन या साइकोलॉजी की तरफ से बात करें, तो अगेन वही डिपेंड करता है कि आपकी अपब्रिंगिंग कैसी हुई है, आपको माहौल कैसा मिला है। कुछ लोगों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बहुत ही छोटी उम्र से हथियार मिल जाते हैं, देखे होते हैं, तो बहुत ही नेचुरल है कि उनमें वो इच्छा होती है कि वो उसको यूज़ करके देखें, उसको आजमा कर देखें। कुछ लोगों के घर में ही बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, मारपीट होना बहुत आम बात होती है उनके लिए, तो बच्चों का उस तरफ रुझान चला जाता है। कई बार ऐसा होता है कि जब वो बड़े होते हैं तो कोई हादसा हो गया या कोई बुली हो गया या वो डील नहीं कर पाए, उनको लगता है कि हमें एक्सेप्ट नहीं करा गया है, ऐसे लोगों का भी एक बार हम कह सकते हैं कि क्राइम की तरफ जाने के चांसेस हो जाते हैं। इसके अलावा आपकी पर्सनालिटी एक बहुत ही इननेट चीज़ है, पर्सनालिटी आपकी बनती नहीं है, आप पर्सनालिटी के साथ ही पैदा होते हैं। तो कुछ लोगों में एंटी सोशल पर्सनालिटी के एलिमेंट्स होते हैं और ये आपको बचपन से दिख जाते हैं। वैसे तो सारे ही बच्चे शैतानी करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने कभी बात माननी ही नहीं, कुछ भी थोड़ा सा गुस्सा आता है चीज़ों को तोड़फोड़ करने लग जाते हैं, लोगों पे हाथ उठाते हैं। तो ये जो टेंडेंसीज हैं इनका भी ध्यान आप रख सकते हैं और सही समय पर सही डायरेक्शन में बच्चे को ले जाए, चिकित्सा करवाए, एक मनोचिकित्सक के पास ले जाए, तो चीज़ें इतनी खराब नहीं होंगी। अगर बात करी जाए उन लोगों की जो परिस्थिति से हार जाते हैं और एट द लास्ट वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं, तो कैसे पहचाने कि व्यक्ति बहुत ज्यादा मायूस हो गया है, वो ये कदम उठा सकता है? क्योंकि हम कई बार ऐसे देखते हैं अपने आसपास के लोगों को कि हंस खेल रहे होते हैं लेकिन सडनली वो सुसाइड कमिट कर लेते हैं। जी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात आपने कही कि आप जब लोगों से मिलते हैं तो वो बहुत ही सामान्य दिखते हैं आपको। इनफैक्ट जिनको डिप्रेशन भी होता है, हमारे मन में एक भ्रांति है कि डिप्रेस्ड इंसान बिल्कुल ही उदास कहीं कोने में अकेला पड़ा रहेगा, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ लोगों के साथ आपको दिखेगा भी, बट बहुत सारे लोग अपने जीवन को उसी तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं, या अगर नहीं भी कोशिश कर पाते तो कम से कम इर्द गिर्द अपने आस पास लोगों को यही दिखाते हैं कि देखिए हम ठीक हैं। तो ऐसे में जो उस इंसान के सबसे करीबी होते हैं, घर के लोग जो होते हैं या इंसान जहाँ काम करता है, वो लोग साइंस एंड सिम्टम्स देख सकते हैं। ऐसे में आपका परफॉर्मेंस धीरे धीरे डिट्योरेट होने लगता है,
आपको डिसीजंस लेने में दिक्कत आती है, मेमोरी आपकी ख़राब होने लगती है, खाने पीने का पैटर्न चेंज हो जाता है, नींद या बहुत ज़्यादा आती है या नींद नहीं आती है, मूड भी, जब आप उनसे बात करें, कोई आकर आपको सीधे नहीं कहता कि देखिए मैं आज बहुत उदास हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है आप देख रहे हैं कि वो कहीं कोने में रो रहे हैं या किसी बात से परेशान हैं और वो चलता ही जा रहा है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो बहुत ही करीबी दोस्त होते हैं, लोग होते हैं, अगर वो ध्यान रखें तो आप इन साइंस को पकड़ सकते हैं। किसी की भी इंसान की हैबिट नहीं होती कि वो क्राइम करे, लेकिन गुस्से में आके इंसान कभी मर्डर कर देता है, तो इन जो घटनाएं होती हैं तो क्या इनमें ये पॉसिबिलिटीज है कि वो हमेशा से एग्रेसिव रहे हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाले रहे, वही लोग क्राइम करते हैं या कोई भी क्राइम कर सकता है? नहीं, देखिए उनकी मेंटल स्टेज क्या होती है क्राइम करते टाइम? कोई भी तो हम कहेंगे कि नहीं ही करता, क्योंकि हम जब बड़े हो रहे होते हैं तो हमको सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाए जाते हैं, मॉरल नॉर्म्स सिखाए जाते हैं, एंड हमारा ब्रेन जो है वो फंक्शन करता है चीज़ों को समझने में, डिसाइड करने में कि ये सही रास्ता है और ये गलत रास्ता है। लेकिन कुछ लोगों का जो ब्रेन होता है, जैसे मैंने पहले भी बात करी, कई बार बायोलॉजी में ही कुछ फॉल्ट हो जाती है, ब्रेन के स्ट्रक्चर में ही फॉल्ट है, तो आप देखेंगे ऐसे लोग बहुत ही निडर होते हैं, उनको किसी चीज़ से डर नहीं लगता, तो वो थोड़ा सा एक खतरनाक चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों की अगेन साइकोलॉजी और जो इन्वायरमेंटल स्ट्रेसर्स हैं उसकी वजह से भी कई बार हो जाता है, उनको लगता है हम अकेले रह गए, कोई ऐसी चीज़ हो गई, अब हम कुछ कर ही नहीं सकते। ऐसा होता नहीं कि आप कुछ कर ही नहीं सकें, बट उनको लगने लगता है कि हमारे पास अब कोई चॉइस रही ही नहीं है, तो ये होता है। बट इट इज़ नॉट दैट एवरीबडी विल गेट अप एंड यू नो हम क्राइम करने चलते हैं, ऐसा नहीं होता है। जी, कंसल्टेशन की बात करी जाए, अगर लोग, अगर कोई ऐसा परेशान व्यक्ति है, अपने दोस्तों से, अपने परिवार में परामर्श करे, अगर उसको लग रहा है कि वो परेशान हो रहा है, गलत राह पर जा रहा है, अगर वो परेशान इंसान परामर्श करे, बात करे, तो इससे कितना समाधान मिल सकता है? और किसी विशेषज्ञ से बात करने की जो पॉसिबिलिटी होती है कि क्राइम को हम कम कर सकते हैं, उस इंसान को बदल सकते हैं, राह को बदल सकते हैं, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ज़रूरी सवाल है आज के टाइम पे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम सब एज अ सोसाइटी, एज अ फैमिली कहते हैं कि देखिए हम आपकी बात सुन रहे हैं, हम आपके लिए है यहाँ पे, आप हमसे शेयर करिए, बट हम सबको खुद से ये पूछने की ज़रूरत है, क्या हम सही में सुन रहे हैं? जब हमसे कोई भी अपना दुख, अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है, आजकल एक कंपटीशन चल गया है, अच्छा तुमने ये बताया, मेरी तो प्रॉब्लम तुमसे भी बड़ी है। आप ये देखो, इनफैक्ट हॉस्पिटल भी आप चले जाते हो किसी से मिलने, अच्छा तुम्हें ये हुआ, मेरे तो चाचा जी को ये हुआ था। ये जो कंपैरिजन्स चलते हैं ये बहुत ही प्रॉब्लमैटिक हैं, हम कभी भी इंसान को सुनते नहीं हैं, अपनी तो, परेशानी सुनाने की जी हाँ, हम कहीं ना कहीं एक मन में आ जाता है कि तुम ये चीज देख रहे हो, हमने इससे ज्यादा झेला है, ये तो कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं ये एक हैबिट बन गई है हमारी। तो कैसे इंसान और डीमोटिवेट हो जाता है? जी, डीमोटिवेट हो जाता है जब आप खुद सोचिए, आप मेरे पास कोई परेशानी लेकर आए हो और मैं आपकी बात ना सुन के अपना ही एक पिटारा खोल के बैठ जाऊं, तो आप क्या दोबारा मुझसे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज होती है, कभी भी जब आपसे कोई व्यक्ति इस तरीके की परेशानी शेयर कर रहा है तो कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। पहली चीज, उसको इंटरप्ट ना करें, उस इंसान को बोल लेने दें। आधा इलाज, मैं पर्सनली ये मानती हूँ, जब इंसान अपने आप को पूरी तरीके से एक्सप्रेस कर देता है तो आधी परेशानी उसकी वहीं ख़त्म हो जाती है, आपका माइंड क्लियर हो जाता है, आपको एक सही डायरेक्शन में सोचने का एक ऑप्शन मिल जाता है। जब आप सोचिए बहुत ही ज़्यादा एक भरे हुए घर में रह रहे हो तो सामान मिलेगा नहीं आपको, माइंड भी वैसा ही है, जब इतनी ज़्यादा उमड़ घुमड़ चल रही है, इतना परेशानी है, तो आप सही नहीं सोच सकते। तो इंसान जब भी आपसे शेयर करे, प्लीज़ उसको बोलने दें, इंटरप्ट ना करें। दूसरा, जजमेंट ना बनाए, इंसान ने जो कुछ भी करा है या करने की सोच रहा है वो उसके दिमाग में उसके हिसाब से सही चीज़ है, तो जजमेंट ना बनाए। अगर आपको कुछ कहना भी है तो सही टाइम का वेट करें, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। दूसरा ये है कि आप उसको सुने, उसको समझें, और सही टाइम पे आप उसी की ही बात पैराफ्रेज करके उससे पूछें कि क्या मैंने सही समझी आपकी बात। तो ऐसे में अगले इंसान को लगता है कि आप उसके बारे में सोच रहे हैं, आप उसको समझ रहे हैं, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है कि अगर वो कल को कुछ करना चाहता है या कुछ सोच रहा है तो वो आपसे आके शेयर कर सकता है। तो सुनना बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट स्किल है, वो हम सबको सीखना चाहिए।
और उसके बियॉन्ड जो श्रोता है, जो सुन रहा है, अगर उसको लगता है कि मैं एडवाइस नहीं दे सकता, ये थोड़ा ज़्यादा सीरियस है, तो फिर एक साइकाइट्रिस्ट या एक साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दीजिए। जी, आजकल लोग इंटरनेट और मोबाइल पर ज्यादा टाइम व्यतीत करते हैं, जिसकी वजह से लोग अकेलापन महसूस करते हैं, तो इस अकेलेपन से भी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो क्या लोगों को अब वापस से, जैसे पहले समय में हुआ करता था, लोग अपने आस पड़ोस में लोगों से मिलते थे, दोस्तों से मिलते थे, क्योंकि फोन पे तो सब कनेक्ट है, लेकिन मिलना बहुत कम हो गया है, तो ये कितना जरूरी है मेंटल हेल्थ के लिए? बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, फ़ोन के तो दुष्परिणाम हम सब देख ही चुके हैं। एक तो कहने को है कि हम सबसे कनेक्टेड हैं, लेकिन कल को अगर मुझे दिक्कत है तो मैं अपने 1000 लोगों की फ्रेंड लिस्ट में से किसको फ़ोन कर सकती हूँ? मेरे पास शायद वो 2 नाम भी बड़े मुश्किल से निकलते हैं। एक वो दिक्कत आ जाती है, दूसरा उसकी ब्लू लाइट का इफेक्ट है, वो आपकी नींद के साथ इंटरफेयर करता है, आपके खाने पीने के साथ इंटरफेयर करता है। नींद नहीं आती है तो नेचुरल सी बात है आपका पूरा सर्कैडियन रिदम चेंज हो जाता है, उसी से आपको बीमारियां भी होने लगती हैं, हार्ट की इश्यूज होते हैं, ब्रेन के इश्यूज हो जाते हैं। तो फोन तो खैर अपने में ही एक बहुत ही बड़ी समस्या है। एंड जहां तक मेंटल हेल्थ की बात है, तो डेफिनेटली आपको सोशल मीडिया से हट के अपना एक ग्रुप बनाना बहुत जरूरी है। कुछ लोग ऐसे हों जिनसे आप दिल खोल के बात कर पाए, जिनके सामने दिल खोल के हंस भी पाए, जिनके सामने दिल खोल के रो भी पाए, वो बहुत जरूरी है। साथ ही थोड़ा व्यायाम जरूरी है, अच्छा पौष्टिक आहार बहुत जरूरी है, एंड बेसिकली कुछ हॉबीज होनी चाहिए आपके पास, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आज के टाइम पे आप हॉबीज पूछिए, हर कोई इंस्टाग्राम फेसबुक इन्हीं पे ही लगा है। कितने ही लोग आपको दिख जाएंगे बाहर बैडमिंटन खेलते हुए, हार्डली ही कोई है इस तरीके से। तो हॉबीज आर इम्पॉर्टेंट, न्यूट्रिशन इज इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट, एंड सोशल सपोर्ट। एंड सोशल सपोर्ट नीड्स टू बी फिजिकल, जो जिनके साथ आप उठ बैठ पाए, वो बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आज के समय में लोग अकेले भी हो गए हैं और इस वजह से नशे की तरफ बढ़ते हैं, तो क्या ये एक यही वजह है कि लोग नशे का सहारा लेते हैं या और भी वजह है? नहीं, नशे का सहारा लेने की बहुत सारी वजहें हो सकती हैं। अगर हम बिल्कुल ही स्टार्टिंग से बात करें तो एक सबसे बड़ा रीजन ये हो सकता है कि जब इंसान पेट में था, कंसीव करा गया था, तो मदर वॉज ड्रिंकिंग, मदर वॉज टेकिंग ड्रग्स, उसका बहुत इम्पैक्ट हो सकता है। एक वो चीज़ है। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, घर में कितना कोई यूज़ कर रहा है, उसका बहुत इम्पैक्ट हो जाता है। तीसरी चीज़ है आपका नेबरहुड कैसा है। अगर बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, पढ़ाई लिखाई नहीं है वहाँ पे, बहुत तंगी चल रही है, ऐसे में लोग नशे की तरफ जाते हैं, तो ये तो आपके सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो गए। उसके अलावा फिर वही बात आती है कि मेरे कुछ लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए हों कि मुझे और कुछ समझ में ना आ रहा हो। तो जब हम नशे की तरफ जाते हैं, हम बेसिकली अपने इमोशंस को एक तरीके से सप्रेस कर रहे हैं कि हमें वो फील नहीं करना। तो वो जब इमोशन सप्रेस करने की बात तभी आएगी जब आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि आप कहीं पे विक्टिम रहे हों, आपको अब्यूज करा गया हो, तो ऐसे में लोग नशे की तरफ जा सकते हैं। कई बार लोग, अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए, तो उसमें भी लोग धोखा खाते हैं या फिर टूट जाते हैं, उसके बाद दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाते, तो लोग अपनी बातें भी शेयर नहीं करते हैं और लोगों से दूरियां बना लेते हैं, तो ऐसे में वो अपने आप को दोबारा से कैसे संभाल सकते हैं? देखिए, ऐसे में सबसे पहला काम तो आता है अगेन सोशल सपोर्ट। जो उस इंसान के साथ रह रहा है उसको थोड़ा सा सपोर्ट देने की ज़रूरत है। दूसरा अगेन यही बात आती है, अगर आपके पास एक ग्रुप आपके फ़ोन से बाहर है, उस रिलेशनशिप और फ़ोन से अगर बाहर आपकी एक दुनिया है, तो आप वैसे भी बाहर निकल पाएंगे। तो वो बहुत बहुत मैटर करता है कि आपका सोशल सपोर्ट में आपके पेरेंट्स हों, आपके कुछ दोस्त हों, वो आपकी मदद कर सकते हैं। जी, ओवर प्रोटेक्टिव लोगों के बारे में भी जानना चाहेंगे, वो कैसे होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जो ओवर प्रोटेक्टिव लोग होते हैं वो हर चीज में रोक टोक करते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों के रिलेशनशिप भी खराब हो जाते हैं, तो ऐसे लोग की मेंटालिटी कैसी होती है? ओवर प्रोटेक्टिव लोगों का एक, देखिए ये रिसर्च करी गई चीज़ें हैं, इंसान हर तरीके से बिहेव कर सकता है। तो ओवर प्रोटेक्टिव लोगों के ऊपर जो रिसर्च कहती है वो ये है कि कहीं ना कहीं वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, उनको खोने का डर होता है, या तो उनको लाइफ में एक्सेप्टेंस नहीं मिली होती है, उनके और रिश्ते जो हैं और रिलेशंस बहुत सक्सेसफुल नहीं रहे होते हैं, तो ऐसे में जो एक रिलेशनशिप उनको मिलता है वो उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं। वो हावी
होने की कोशिश, उनको लगता है कि आई हैव कंट्रोल, मेरा और किसी चीज पे कंट्रोल नहीं है, मेरी जिंदगी जो है दूसरों के हिसाब से चल रही है, मैं जो करता हूँ मेरे गुस्से का भी कारण कोई बाहर वाला ही व्यक्ति है, मैंने ऐसे बिहेव करा तो उसके लिए आप जिम्मेदार हैं, ऐसे बिहेव करा तो वो जिम्मेदार है, वो अपने ऊपर कभी कोई चीज नहीं लेते हैं। ऐसे में वो एक रिलेशनशिप उनका कंट्रोल बन जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, और ताकि उनसे कंट्रोल छिन ना जाए ऐसे में वो क्राइम की तरफ बढ़ सकते हैं। बिल्कुल, ईगोइस्टिक लोगों की बात करिए, जिनका ईगो बहुत जल्दी हर्ट होता है, क्या वो क्राइम की तरफ बढ़ सकते हैं? बिल्कुल हो सकता है। ईगो में भी आपको देखना है कि इंसान के अंदर इतनी ईगो क्यों है, क्या कोई डर है जो उनको सता रहा है, या किसी चीज़ से उनको बहुत गिल्ट है जिसको वो छुपा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कई बार अगेन वही फीलिंग होती है कि मुझे हमेशा से बहुत नीचे दिखाया गया, तो ईगोइस्टिक रहकर जब मैं आपको कुछ नहीं समझता तो मुझे एक फीलिंग होती है कि मैं आपसे बड़ा, ऐसे लोगों के साथ अपने आप को साबित करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के साथ आपको ज्यादा संभल के रहना है, उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलानी है, उनसे डरना नहीं है, उनको ना बोलना आपको सीखना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उनसे एक्सपेक्ट मत करिए कि वो आपसे आकर सॉरी बोलेंगे जी, वो आपसे किसी भी चीज की माफी मांगेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आपको उनके साथ ज्यादा असर्टिव बनना पड़ेगा, नो कहकर पीछे हटने की आपको जरूरत है। जितना बढ़ावा देंगे वो और उतना ज्यादा उनका प्रॉब्लम बढ़ेगा। ऐसा भी देखा जाता है कि जो ओवर प्रोटेक्टिव या ईगोइस्टिक लोग होते हैं वो अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए कमजोर होते हैं जी, उनको कैसे सहारा? यही चीज मैंने आपसे कही कि आपको देखना पड़ेगा क्या उनमें कोई क्योंकि डर है, उनको ना हाँ। कहा जाएगा तो वो और टूटते हैं, ये भी है। ऐसा नहीं है जी, ऐसा नहीं है, ना कहने का भी तरीका होता है। पहली चीज तो वही है, अब आप मुझसे बात करने आए, मैं आपकी बात काट के आपसे बात करूंगी तो आपको बुरा लगेगा जी। लेकिन अगर आप टूटे हुए हो, कोई किसी परेशानी से निकल रहे हो, कोई तकलीफ है और आप मुझसे शेयर कर रहे हो, मैं उसको समझती हूँ, तो उसमें ना इतना प्रॉब्लम नहीं करता है जी। तो ये तो अगेन लिसनिंग स्किल्स पे हमारी आ जाता है, उस व्यक्ति से ज्यादा हमारी स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। दूसरा, कभी भी आपको लगे कि आप नहीं टैकल कर पा रहे हो तो बाहर हेल्प अवेलेबल है जी। उस चीज का स्टिग्मा तोड़ना बहुत जरूरी है। आप कह रहे हो डील कैसे करें, आई थिंक द बिगेस्ट थिंग इज आप सोसाइटी में स्टिग्मा ब्रेक करिए। जब मुझे लगता है कि मुझे हेल्प की जरूरत है और मेरे को शर्म आती है बाहर जाकर किसी से वो मदद मांगने में, ऐसे में मेरा ईगो और बढ़ता है क्योंकि मुझे दिखाना है मैं स्ट्रॉन्ग हूँ जी। सो वो जो शर्म है, जो स्टिग्मा है, उसको आप कम करें, हेल्प सीख करना नॉर्मलाइज करें, तो ये चीजें बहुत कंट्रोल में आ जाएंगी। कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो बड़े शांत रहते, चुप रहते, हर किसी की हाँ में हाँ मिला लेते, वो कैसे लोग होते हैं? क्या वो हमेशा डरे सहमे रहते हैं या फिर उनको आगे बढ़ाया जा सकता है? ये तो आपका क्वेश्चन बहुत ब्रॉड है मैम एक्चुअली, बिकॉज हाँ में हाँ मिलाने वाले दो तरीके से हो सकते हैं। कुछ लोग होते हैं सबमिसिव कि हमें डिसीजन लेना नहीं है, हम आप ही पे डिपेंडेंट हैं, तो आपने जो कहा ठीक है, एज लॉन्ग एज लाइफ इज गोइंग ऑन, आपके डिसीजन से मेरी जिंदगी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई अड़चन नहीं आ रही, तो इट इज़ ओके। और कुछ लोग होते हैं जो अपने माइंड में एकदम क्लियर होते हैं कि हमें तो ऐसे ही करना है, यही करना है, और ना कहकर कोई फायदा नहीं है, बहस करके कोई फायदा नहीं है, तो आप जो कह रहे हो मैं हाँ तो कर दूंगी लेकिन मैं करूंगी अपनी मर्जी का, तो इस तरीके से हो सकता है। दिमाग स्थिर रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हमने ओवरऑल सब चीज सुन ली, हमने हर चीज पे चर्चा कर ली और इसका एक ही निष्कर्ष निकला है कि एक अच्छे लिसनर को सुने, एक अच्छे लिसनर को ढूंढें और उससे अपनी पूरी बात कहें, और ऐसा अगर है तो इंसान गलत राह पे जाने से बच सकता बिल्कुल, है बिल्कुल। तो अगर बात करी जाए मेंटल हेल्थ की, तो दिमाग को स्थिर, क्योंकि हमने अभी पूरी जो बात करी है उसमें यही है कि कहीं ना कहीं इंसान परेशान होता है, उसका दिमाग स्थिर नहीं होता है, आजकल की बिजी लाइफ है, तो माइंड को स्थिर रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, और कौन कौन सी थेरेपी है जिसका उपयोग कर सकते हैं? सी, अपने लेवल पे सबसे पहली चीज है नींद पूरी रखें। सोने से 2 घंटे पहले अपना फ़ोन किनारे रख दिया जाए, आप 8 घंटे की नींद कम से कम लें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, न्यूट्रिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पौष्टिक आहार बहुत ज़रूरी है, वो सिर्फ बॉडी को नहीं आपके माइंड को भी कंट्रोल में रखता है। तीसरा, एक्सरसाइज, चाहे वो योग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, किसी भी तरीके का व्यायाम, एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेलबींग। ये तो आपकी तरफ से आ गया। इसके अलावा कुछ ना कुछ एक हॉबी जरूर रखें।
हॉबी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी क्रिएटिव साइड को बाहर निकालें, अच्छी बुक्स पढ़ें। खाना आपके शरीर को लगता है, अच्छी किताबें आपके माइंड को लगती हैं, वो चीज़ है। तो अच्छी किताबें पढ़ें, सोशल सपोर्ट बनाएं फ़ोन से बाहर, प्लीज़। सोशल हमने देख लिया नेटवर्क का क्या दुष्प्रभाव है, तो सोशल लाइफ रखें, लेकिन बाहर एक अपना ग्रुप, अपनी एक फैमिली अच्छी रखें जिनसे आप बात कर सकें, उनके साथ घूमने जाएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड थेरेपीज़ की जहाँ तक बात है, आई थिंक घर के लेवल पे द बेस्ट यू कैन डू इज़ अच्छी किताबें पढ़ें, एक्सरसाइज करें। थेरेपीज़ तो फिर साइकोलॉजिस्ट एंड साइकाइट्रिस्ट देख ही लेंगे। जी बिल्कुल। अगर बात करी जाए साइकाइट्रिस्ट की, मनोवैज्ञानिक की, तो लोग उनसे दूर भागते हैं, उनको लगता है कि सिर्फ पागल लोग ही उनसे मिलते हैं। अगर कोई इंसान मेंटली डिस्टर्ब है तो क्या वो भी मिल सकता है? बिल्कुल मिलना चाहिए। देखिए साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर्स होते हैं जो दवाई लिख सकते हैं। कई बार हमारे माइंड में, हमारे ब्रेन में कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, कभी कुछ केमिकल्स, कुछ हॉर्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाता है, कई बार ब्रेन का स्ट्रक्चर में कुछ इश्यूज होते हैं। तो जो डॉक्टर्स हैं वो दवाई के ज़रिए उन चीज़ों को बैलेंस में लाते हैं। उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता। आप अग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये हो सकता है कि आपके एनवायरनमेंट की वजह से हो, एट द सेम टाइम पॉसिबिलिटी है कि ये बायोलॉजिकली ही हो, जेनेटिक हो। तो ऐसे में डॉक्टर से मिलना तो बहुत ज़रूरी है ही। दूसरा, बिहेवियर कंट्रोल की बात जहाँ आती है, इम्पल्सिव होने की बात जहाँ आती है, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके सही एक्शंस लेने की बात आती है, ऐसे में साइकोलॉजिस्ट्स आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। आइडियल तरीका होता है एक साइकाइट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट मिलके काम करें। अगर मेडिसिन की ज़रूरत है तो मेडिसिन लें, घबराएं नहीं उससे, उसके साइड इफ़ेक्ट से ना डरें। साइड इफ़ेक्ट तो ऑलरेडी हो ही रहा है आपको ना लेने की वजह से, तो दवाई से आपको सपोर्ट मिलता है और साथ में थेरेपी जब चलती है तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या बिहेवियर कंट्रोल की दवाई भी होती है? बिहेवियर कंट्रोल की नहीं। देखिए, अगर बिहेवियर का कोई इशू है विच इज एक्चुअली रिलेटेड टू द ब्रेन, ठीक है, मेरे न्यूरो ट्रांसमीटर्स में कोई प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली दवाइयाँ होती हैं। ठीक है, हम बात करते हैं सेरोटोनिन, डोपामिन वगैरह की, ये डिप्रेशन में जो हमारे ब्रेन में केमिकल्स बनते हैं, नहीं बनते हैं, तो ये तो दवाइयों से ही बनेंगे। ठीक है, अब दवाइयाँ आपके वो केमिकल्स को ठीक बनाने में हेल्प करती हैं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को ठीक रखने में हेल्प करती हैं। उसके बाद बात आती है आदत की। आदत जो हमें इतने सालों से पड़ चुकी है, आदत को सुधारने में, अपने बिना सोचे हुए जो एक्शंस हम कर देते हैं उनको वापस स्ट्रीमलाइन करने में आपका साइकोलॉजिस्ट हेल्प करते हैं। जी, ये है। कई बार ऐसा देखा गया है कि लोग क्राइम की तरफ चले जाते हैं, उसके बाद उनको गिल्ट फील होता है और फिर वो नॉर्मल जिंदगी जीना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों की हेल्प कैसे करें? देखिए, अगर तो पकड़े गए हैं तो चाहे बाहर हो चाहे इंडिया में हो, यहाँ पे भी क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट्स हैं, इनकी पूरी प्रोफाइलिंग होती है, जेल में इनको पूरा सपोर्ट दिया जाता है, एंड उसके बाद रिहैबिलिटेशन होता है, रिहैब करके इनको फिट बनाया जाता है कि जब ये रिलीज होंगे तो ये सोसाइटी में कुछ कर पाएंगे। तो रिहैब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ऐसे में। जी, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्योंकि आज के टाइम में हमारी जितनी भी जनरेशन है वो मेंटली नॉर्मल नहीं है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेस है, कहीं ना कहीं टेंशनाइज्ड है, तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि अपनी प्रॉब्लम को भी दूसरों के साथ शेयर करें, साथ ही अगर कोई बता रहे तो वो किस तरह से सुने? जी, मैं एक ही चीज़ कहूँगी कि देखिए, डिप्रेशन को इतनी लूजली मत यूज़ करिए। उदासी होना बहुत नॉर्मल चीज़ है, हम सब उदास होते हैं, लेकिन हम सब डिप्रेस्ड नहीं हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आप में सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, खुद को हार्म करने की टेंडेंसीज आ रही हैं, या आप देख रहे हैं कि आपका खाना पीना बदल चुका है, नींद नहीं आ रही है, ज़्यादा आ रही है, ऐसे में किसी बहुत ही खास दोस्त से बात करें, उनके साथ किसी मनोचिकित्सक को या किसी मनोवैज्ञानिक से ज़रूर मिलें, ये ज़रूरी है। और बाकी लोग जिनकी लाइफ में रोज़मर्रा के टेंशन्स लगी रहती हैं, ऐसे में थोड़ा समय अपने लिए ज़रूर निकालें, व्यायाम ज़रूर करें, थोड़ी देर धूप में बैठें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग सब धूप से बहुत भागते हैं, स्पेशली आजकल सबके घरों में एसीज लगे हुए हैं, कोई बाहर आपको बैठे नहीं मिलता, पार्क्स आजकल सारे खाली पड़े हुए हैं, तो कुछ हॉबीज़ बनाएं, बाहर निकलें, अच्छा खाना खाएं, नींद पूरी करें, और घर में वापस से थोड़ा अपना टीवी टाइम या मोबाइल टाइम को काट के घर में एज अ फैमिली कोई आप एक्टिविटी, कोई रिचुअल करें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू। तो आज हेल्थ मंत्रा में हमारे साथ मनोवैज्ञानिक कीर्ति खुराना जी जुड़ी थी, जिन्होंने हमें बताया कि कैसे एक व्यक्ति को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम किसी व्यक्ति को सुनते हैं और उसको कोई अच्छी सलाह देते हैं तो हम उसे अपराध की तरफ जाने से रोक सकते हैं, उसे सुसाइड कमिट करने से रोक सकते हैं, साथ ही साथ एक अच्छा सहारा दे सकते हैं। हम किसी विशेषज्ञ से मिल सकते हैं और उसकी राह को बदल कर एक सुनहरा कल दे सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड में मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ, जुड़ेंगे एक और विशेषज्ञ से और जानेंगे कैसे बचाओ और उपाय करें। तब तक के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम टीवी, अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जुर्म सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच साहस और सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन, जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी खबरें जिन पर है हमारी पैनी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखिए हमारे खास कार्यक्रम प्राइम शतक के साथ। 4 बजे करेंगे 4 बड़ी खबर पर बात, पहुंचाएंगे सरकार तक जनता की आवाज, जानेंगे संवाददाता से खबर की जानकारी, सरकार भी लेगी खबर की सुध सारी। दिन भर की 4 बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर। 4 बजे की 4 बड़ी खबर देखिए 4 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। अस्थमा हो या फिर अर्थराइटिस, डायबिटीज हो या कोई और डिसऑर्डर, आपको मिलेगी सेहत से जुड़ी हर जानकारी, एक्सपर्ट देंगे अपनी राय। हेल्थ मंत्रा शनिवार और रविवार शाम 6 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। सियासी दिग्गजों से जानेंगे राजनीतिक दाव पे, अफसरशाहों से मिलेगी अंदर की जानकारी, सांसद से लेकर विधायक तक, आईएएस से लेकर आईपीएस तक सबसे होगी बात। शख्सियत शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। ना कोई शोर शराबा, ना कोई एजेंडा, जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल, जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल, पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। झूठ नहीं पाएगी अब यूपी की कोई भी खबर, क्योंकि हर खबर पर होगी हमारी पैनी नजर। सच्ची खबरों पर रहेगा हमारा पूरा फोकस, आपको दिखाएंगे सूबे से जुड़ी हर खबर। प्राइम उत्तर प्रदेश सिर्फ प्राइम टीवी पर। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल प्राइम
प्राइम टीवी। अभी तक आप देख रहे थे जियो टीवी, एमएक्स प्लेयर के साथ साथ कई ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर, और अब ये आ गया है नेटविजन के चैनल नंबर 241 पर। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। जुर्म सियासत या हो व्यापार, सिनेमा से लेकर गांव गली चौबारे, आपके हक की बात सिर्फ हमारे साथ। सत्ता के मद में अगर डूबी हो सरकार, संसद की हलचल से लेकर गांव की हालत तक की बात सबसे पहले प्राइम टीवी पर, क्योंकि हम है सच साहस और सरोकार। डांस भी होगा, मस्ती भी होगी, लगेगा हंसी का जबरदस्त ठहाका, आधे घंटे का होगा भरपूर मनोरंजन जब आप देखेंगे मजेदार वीडियोस। वायरल स्टेशन सिर्फ प्राइम टीवी पर। हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, एक्टर से लेकर सिंगर तक, फिल्म जगत की हर चटपटी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। पहले पर्दे की अंदरूनी बातों पर होगी गॉसिप। देखिए बॉलीवुड मसाला सिर्फ प्राइम टीवी पर। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक, ऐसी